आज पूरे उत्तर प्रदेश में आप सर्वे करा लो। और अगर मैं दादरी विधानसभा की बात करूं, मैं मौके पे चौगानपुर डेरिन गांव में हूं। अगर आप यहां भी देखोगे तो हर जगह समाजवादी पार्टी की लहर है। और 2022 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता। चाचा को नहीं देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री? नहीं, चाचा से तो हमारे 22 तारीख में एक हो गए हैं। और जो नेताजी का हमारा जन्मदिन है, आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का, उसके उस मौके पर गिफ्ट देंगे उनको एक पार्टी में शामिल होकर। चाचा भतीजे अब दूर नहीं, अब एक हो गए हैं। अब हमें इंतजार है 22 तारीख का, जब धूमधाम से हमारे शिवपाल चाचा समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। वो तो पार्टी की नींव है, उन्होंने पार्टी को सींचा है, उन्होंने पार्टी को खड़ा किया है। लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे जो चाचा अलग हो गए, जो उनको पार्टी बनानी पड़ गई अलग। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अखिलेश का जिन्ना के प्रति प्रेम जाग रहा है और मुद्दा बनाया है पूरा। नहीं नहीं, देखो जिन्ना हो गए, आपके पटेल जी हो गए, और हमारे कई ऐसे महापुरुष हैं, उन सब ने लड़ाई लड़ी है। वो जिन्ना के ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने स्पेशल जिन्ना जी के लिए बोला है। जिन्ना जी ने भी भारत के लिए लड़ाई लड़ी थी, और भी महापुरुष हैं, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी। इस पर तो विपक्ष मुद्दा बना रहा है इसको केवल। लेकिन दीपक भाई, जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था आपकी सरकार में 2013 में, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है इस बार भी? नहीं नहीं नहीं, मुस्लिम नहीं नहीं, देखो वो हिंदू मुस्लिम तो काम करने का केवल बीजेपी का काम है, हिंदू मुस्लिम करने का। आप मुजफ्फरनगर में चले जाओ, जहाँ जाटों का बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर आज जाट समाजवादी पार्टी के साथ है और आरएलडी के साथ है। मैं खुद उस गांव में, अभी जो मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई थी, वोट देगा आपको जाट, वोट देगा आरएलडी और हमारा गठबंधन है। अभी ऐलान तो नहीं हुआ ना? ऐलान हो गया, 32 सीटों पे चुनाव लड़ेगी आरएलडी। 32 सीट? हाँ, 32 सीट पे चुनाव लड़ेगी आरएलडी। जयंत चौधरी जी और अखिलेश जी का अब जल्दी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें बाकी का आप सब पता चल जाएगा कितने आरएलडी। तो 32 सीट दे रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, 32 सीट दे रहे हैं। हमारा 110 सीटों पर दबदबा है। नहीं नहीं, वो देखो समाजवादी पार्टी के भी बहुत वरिष्ठ नेता, हर विधानसभा पे नेता है, वो भी लड़ेंगे। और आरएलडी जो है वो एक मजबूत स्थिति में, और जितने भी जाट समुदाय के लोग हैं, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो बैंक में हो, किसी से भी अगर मैं भी व्यक्तिगत पूछता हूँ तो सब वो कहते हैं कि हम आरएलडी को आपके वोट देंगे। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सर्वे करवा लो, जीत रही है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बना जी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर का दंगा, दादरी का अखलाक वाला कांड, ठीक है, हाशिमपुरा वाला कांड, हम कैसे भूलेंगे? देखिए, ये तो अखिलेश के राज में हुआ। नहीं, ये तो देखिए एक हादसा हो जाता है, ये कोई पार्टी नहीं कराती, लेकिन कुछ लोग हैं जो इन्हें फैलाने का काम कर रहे हैं। वो केवल बीजेपी की आईटी सेल है, जो अब मौके पर जब चुनाव आ रहे हैं, उसे हादसा मानते हैं। दंगा जो हुआ था, आपको पता है उस दंगा के बारे में? आप वहां जाइएगा एक बार, आपको पता चलेगा दंगा किस तरह से हुआ। आजम खान पे कितने आरोप लगे उस दंगे को? आजम खान साहब पे तो आरोप क्या, आजम खान साहब तो हमारी समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ लीडर है, और अभी भी उनको बेबात के लिए जेल में डाल रखा, बकरी चोरी में, ऐसे ऐसे उन पे इल्जाम लगाए जो कोई इल्जाम होता ही नहीं है। हमारा सवाल इसलिए दीपक जी, क्योंकि बीजेपी ने खूब मुद्दा बनाएगी, जो विपक्ष की पार्टियां हैं इन सब चीजों को लाएगी, निकाल कर लाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता आपको मानेगी नहीं, ना कोई दंगा मानेगी, ना कोई आपका मुजफ्फरनगर, ना बिसाड़ा कांड, कुछ नहीं है। केवल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को लोग पसंद कर रहे हैं, और उन्हीं को समाजवादी पार्टी के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, 400 सीटों पर विजय होंगे। लेकिन ओवैसी बहुत बड़ी ताकत से आ रहे हैं। नहीं नहीं, ओवैसी बीजेपी का एजेंट है, और वो बी पार्टी का काम करता है। ओवैसी को मुसलमानों ने कतई दरकिनार कर दिया है। आप चाहे कहीं भी चले जाओ, किसी मुस्लिम भाई से पूछ लो, वो कहते हैं कि ओवैसी हमारे लिए कुछ नहीं है, हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन अमरोहा से खिलाड़ी है मोहम्मद शमी, जब उनको ट्रोल किया जाता है तो अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आता, आखिर क्यों? देखिए, उनके बारे में तो मैं नहीं जानता जिनका आप नाम बता रहे हो, लेकिन शमी को हर कोई जानता, क्रिकेटर है। अच्छा, हाँ हाँ, समझ गया मैं। देखिए, मैं अमरोहा में खूब आता जाता रहता हूँ, जितनी भी वहाँ के मंत्री, हमारे महबूब अली जी है, महबूब अली जी पुराने नेता हैं, अब मौजूदा में विधायक भी है, और कमाल अख्तर साहब भी है, और हमारे जावेद आबदी साहब है जो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के बहुत करीबी नेता माने जाते हैं। नौगावा पे वो चुनाव भी लड़ते, वहाँ कि जो स्थिति है वहाँ पर भी सपा बहुत मजबूत है, और वहाँ 5 विधानसभा है। सवाल मेरा ये है, अखिलेश ने क्यों नहीं आकर बचा आपके समय का, जब उसको मुस्लिम होने के नाते ट्रोल किया जा रहा था, पूरी टीम हारी थी ना, एक ही खिलाड़ी को क्यों टारगेट किया जा रहा था? देखिए, ये समाज, जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, वो हर समाज को एक साथ लेकर चलते है। तो डर था क्या हिंदू वोट? नहीं नहीं नहीं, डर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू की बात नहीं है, वो केवल अपने सभी को लेकर चलते है।
हिंदू का डर नहीं है, वो सभी को एक साथ लेकर चल रहे हैं। भाई लेकिन जिस दौरान समस्या में है, काफी जेल में भी हैं हम आजम खान साहब, दो शब्द नहीं बोलते हैं, उनकी दवाई गोली का भी जो है पैसा नहीं दिया जाता समाजवादी पार्टी के द्वारा, कोई ट्वीट भी नहीं करते हैं अखिलेश जी। देखिए हमारी समाजवादी पार्टी सरकार तो बाहर से तहसील स्तरीय है, तहसील स्तरीय है, राज्यपाल के लिए कई बार हमने ज्ञापन दिया, मैंने खुद ज्ञापन दिया है, लेकिन ये सरकार ऐसी है ये कोई किसी की सुन भी नहीं रही है। हमको भी कई अभी गुजर प्रकरण हुआ था, हमें भी जेल भेज दिया गया था इस मामले को लेकर। इस सरकार पे कोई भरोसा मत रखिएगा, ये तो ये चाहती है कि वो जेल में ही उनको रखना चाहते। ऑफिस धुलवा जाता है गंगा जल से, स्वच्छ कराया जाता है अखिलेश जी का, और बीजेपी वाले काफी कहते हैं कि शुद्ध हैं ये हैं, लेकिन अखिलेश जी फिर भी शिवलिंग पर चढ़ाने चले जाते हैं जल। कोई नहीं, देखो 2022 में हमारी सरकार बनेगी, लेकिन हम बदले की तो भावना रखते नहीं है, वो लोग मतलब कि गलत है। एक अखिलेश यादव जी एक हिंदुत्व है, टोटी चोर का कैसे अटैक अटैक? नहीं नहीं नहीं, वो टोटी चोर नहीं है, टोटी तो पहले ही उन्होंने चुरा ली थी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम आरोप लगा दिया। जो एक उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हो, जो एक इतने बड़े प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री रहे, वो कैसे टोटी चुरा लेंगे? टोटी चोर तो खुद है। गोमती रिवर फ्रंट में घोटाला हो गया, उसमें एफआईआर भी है बहुत सारी। नहीं नहीं, आज लखनऊ के गोमती के जितने भी लोग हैं, जितने भी वहाँ के निवासी है, वो बहुत अच्छा मानते हैं अखिलेश जी को, बहुत अच्छा लगाया था, वो कोई आरोप नहीं लगाए, जो बीजेपी का काम आरोप लगाती रहती है। गौतम बुद्ध नगर में आज हुआ, आप कभी सीट नहीं जीत पाए यहाँ पे एक भी। हाँ ये बात है, गौतम बुद्ध नगर में आप देखना, दादरी और जेवर में समाजवादी पार्टी सीट निकालेगी, और पूरे गौतम बुद्ध नगर की जनता, एक बात आप पूछ लीजिए हर किसी नेता के पास जाते, भारतीय जनता पार्टी ने कोई यहाँ एक विकास नहीं कराया नया, जो हो गया था समाजवादी पार्टी की सरकार में हो गया था। लेकिन आप किसी भी, अगर कोई बीजेपी का नेता हो तो मेरे सामने ला के खड़ा कर दो, मैं चेतावनी दे रहा हूँ, अगर एक विकास बता दे, अगर एक योजना बता दे कि गौतम बुद्ध नगर जिले के लिए दी हो। पर योजना कहाँ चाहिए लोगों को? योजना चाहिए कहाँ? स्कूल चाहिए, नए मेडिकल चाहिए, कॉलेज चाहिए, धर्म चाहिए, धंधा चाहिए। वो वही तो इनका धंधा है, बीजेपी वालों का धंधा हिंदू मुस्लिम करना और वोट लेना। अब वही नहीं, वो तो अभी भी कर रहे हैं, वो तो अभी भी जिन्ना जी को बना दिया, उसी को एकदम उड़ा दिया। पकड़े हुए हो समाजवादी पार्टी? नहीं नहीं, जिन्ना जी की ऐसा कुछ नहीं है, पूछ पकड़े हुए? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं करते। उन्होंने कहा है कि जिन्ना जी ने भी लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने ये बोला है। अब्बा जान के आरोप लगते हैं आप पे? नहीं, अब्बा जान के आरोप लगाते हैं ना वो, अब्बा जान तो उनकी भाषा में बोला जाता है अब्बा जान, जैसे हम बोल देते मम्मी पापा दादी दादा, ये सब उन पे भी लगाते। ऐसा कुछ नहीं है, जिन्ना जी ने भी लड़ाई लड़ी थी, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। नहीं नहीं, देखिए मुस्लिम समाज के वो एक महापुरुष है, उन्होंने क्या यूनिवर्सिटी बनाई, आप अलीगढ़ में भी देख लीजिए, उनका मुसलमान जो समाज है वो उनका बहुत सम्मान करता है, तो हमें भी सम्मान करना चाहिए। तो हमारा बोला कि मुस्लिम वोट हमारी तरफ प्रभावित हो जाए? समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम समाज सबसे आगे रहता है, और समाजवादी पार्टी के ही मुस्लिम लोग सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। मुस्लिमों पर अत्याचार होते तो अखिलेश दिखाई नहीं देते? क्यों नहीं दिखाई देते बताइए हमें, आप हमें बताइए कहाँ अत्याचार हुआ, हम हर जगह खड़े रहते, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे समाजवादी पार्टी के नेता सभी खड़े रहते हैं, लेकिन गलत पे नहीं खड़े रहते हम। अगर कोई मुस्लिम गलत करता है, उदाहरण दिया था अभी आपको मोहम्मद शमी का, आपने उदाहरण दिया है, उसमें मुझे इतनी वो नहीं है जानकारी, लेकिन हम सबके लिए सपोर्ट करते, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे जाट हो। समाजवादी पार्टी पर गुंडों की पार्टी, गुंडों की पार्टी, अरे भाई एक बात बताओ, गुंडों की पार्टी तो बीजेपी है। लखीमपुर खीरी में इतना बड़ा हादसा हो गया, और अमित शाह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो टैनी को अपने साथ में खड़ा कर रखा है, जो गृह राज्य मंत्री है, पर दूरबीन से देख रहे हैं वो, अमित शाह दूरबीन से देख रहे हैं, क्या देख रहे दूरबीन से? भाई जहां से आप आते हो दादरी से, हां मुस्लिम इंस्पेक्टर की हत्या की गई थी सपा सरकार में,